गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिकोली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम हैं अभी गोकुल में, अब हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अभी गोकुल गांव आए हैं। यहाँ नंद बाबा का घर है। अंदर फोटो शूटिंग अलाउड नहीं थे, इसके लिए कैमरा बंद करना पड़ा है। अबे आगे के दर्शन के निकलते हैं। Thank you.
बच्छात्र जो है गाय का बछड़ा बनके भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। तथा बोले कन्हैया तेरे बछड़ा मार दूं तो हत्या रह गए भाई। भगवान बोले तो क्या क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर। सामने कुआ है, भगवान ने उसे बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया, तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। उसके बाद जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान किया। क्या गौ सेवा का भंडारे का गौदान का विशेष फल होता है। जो सोमवती अमावस्या होती है, इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंड उतर जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला में ब्रह्मा जी आचार्य भाई, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया है। जिस टाइम पर ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे, तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया। उस बंशी को राधे जी ने चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया, फेरे कराए, लास्ट में क्रिया होती है
लड़की की मांग में सिंदूर भरने की, जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता। तो दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते। सभी जगह आप दर्शन करोगे वंची हो जाते हो, करोगे आप वंची नहीं है। क्यों? कि वंची तो राधा जी चौरा ली थी। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी झाड़ के नीचे बैठे थे, तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांटीर बन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बनी है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज आप बंधु प्रश्न जो भक्ति आवेगा और इस कुएं का आचमन करेगा उससे 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा बाकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलू की प्राप्ति करेगा। या बैठ के कोई चीज खावेगा वो इंद्र लोक की प्राप्ति करेगा। और जो गौदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी, इतना होने पर त्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 2400 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यह वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रजम घूम जाएगा तब उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडवन में आ, हर भक्त को भांडवन में नहीं आने दूंगा। जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्त आता है, हर एक नहीं आता है। यहाँ पर दो तरीके का दान होता है, ये होता है विवाह का मंदिर है, यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान और राधा रानी के श्रृंगार और साड़ी ये भेंट की जाते हैं, भक्तों को पता नहीं लेके आते हैं या कोई बीच में बैठे इतने भक्त आते नहीं है, तो उसकी दो छावरे। जो भक्त कन्यादान साड़ी श्रृंगार दान करता है उसकी 2 रुपया नौ छावरे, जो श्रृंगार दान करता है उसकी 1 रुपये। अनेक दान तो तुम वसई में कर लोगे, ब्रिज के और जगह पर कर लोगे, पर राधा रानी कन्यादान का दान इस मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं होगा। दूसरा भगवान ने गौदान किया था गाय 15, गायों की छाछे आती है, भक्त लोग प्रसाद लेके जाते हैं पी के जाते हैं, जो गायों की सेवा के लिए दान करके जाते हैं वो पैसा गायों के लिए जाता है। आप लोग भी प्रसाद लेना और गायों की सेवा के लिए जो यथाशक्ति दान बना सुख देना, वो पैसा गायों के लिए जाएगा। इस टाइम पर ठंड पड़ रही है, गायों को गुड़ खिलाने की जरूरत ज़्यादा रहती है, तो 250 ग्राम, आधी किलो, 1 किलो, 5 किलो, जैसी जिस भक्त की सामर्थ्य है उतना गायों के गुड़ के लिए दान करना। भांडी बिहारी की जय। और जो कन्यादान दान करें यह श्री कृष्ण जी का विवाह का स्थान है, तुषार चप्पा से राधे 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 राधे। एक हाथ राधा अंत कृष्णा पिसारा तरी उडवला आहे। हॅलो
ये मोर है। मोर है, मोर इतने सांभा, इतने सांभा, इतने सांभा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज की ट्रिप हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कल राजस्थान में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।